भारत के सर्वमान्य नेता, हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, राज बब्बर जी, आफताब अहमद जी, वे सभी हमारे जो चुनाव लड़ रहे मेरे बात से, सारे हमारे उम्मीदवारगण उपस्थित, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, दूर सुन रही मातृशक्ति, देखिए आज राहुल जी आए हैं मेवात के इलाके में, और आज जो मेवात में तरक्की हुई वो केवल कांग्रेस के समय में हुई, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये इलाका मेवात का पूरे देश और दुनिया में भाईचारे की एक मिसाल है। इतना मजबूत भाईचारा यहाँ पर है, बहुत सारे प्रयास किए गए आपस में इनको लड़ाने की, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मजबूत भाईचारा रहा है। इस बात की मैं आपको सबको हार्दिक बधाई देता हूँ मेवात वालों को। आज सारे जो इसमें मेवात में कांग्रेस के समय में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कें हो, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन 10 साल से इस बीजेपी जेजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आई में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक हो गया, आज महंगाई में नंबर एक हो गया, कानून व्यवस्था चरमरा गई, तो ऐसी परिस्थिति है। राहुल जी आज आप आए हैं, सारा हरियाणा आपकी ओर देख रहा है, सारा देश देख रहा है, लेकिन हरियाणा में चुनाव है, आपकी तरफ ही है कि आप जो है इनसे हमारी निजात दिलाएंगे और फिर से कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे ताकि यहाँ का विकास हो। मैं आपका यहाँ आने पर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो आपने समय दिया, और ख़ास तौर पे नूह में, नूह एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से थोड़ी सी दूर रोपड़ा का एक गांव है जहाँ सैकड़ों आदमियों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, और कितने आदमी रोपड़ा के आज वहाँ बने। आज़ादी की लड़ाई में मेवात के इलाके का बहुत ज़बरदस्त हाथ है, मौलाना आज़ाद यहाँ से सांसद रहे हैं, और सबको मालूम है ये इलाका देशभक्त इलाका है, तो मैं इस बात की आपको बधाई देता हूँ। और राहुल जी बाकी सारी बातें राहुल जी आपको बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम क्या करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों से मैं फिर से राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। को संबोधित करने के लिए मैं निमंत्रित